हार्ट के साथ बोलती है। अब एक को मैंने पूछा, 3 साल बाद आई, मैं बीमार हो गई। अच्छा बीमार हो गई, आ जा कोई बात नहीं, बैठ जा। नहीं मैं बीमार हूँ अभी तक। कै साल हो गए तेरे को आते? मेरे को 3 साल हो गए आते आते। तो 3 साल में तू आज तक क्यों नहीं आई? मैं 2 साल ठीक भी तो रही ना, मतलब ये बात नहीं बता रही है पहले कि मैं 2 साल ठीक रह ली, मेरे को आराम पड़ गया, मेरे को दोबारा बीमारी हुई है। कहीं मैं ये ना कह दूं दोबारा पर्ची कटवा ले। हाँ गए ना? और मैं कटवाने वाला हूँ नहीं, मैं कटवाने वाला हूँ नहीं। अरे किसको पढ़िए बीमार तुम्हारे घर में? एक सारे घर के नाम का जाप कर रहा। किसको पढ़िए तुम्हारे पितरों के नाम का जाप अलग से कर रहा? किसको पढ़िए? ये इतनी गहन प्रक्रियाएं हैं, ये धीरे से सिमटती नहीं है, निकलती नहीं है। अब वो माता जी देखो पीछे जीभ निकाल के हाजिरी दे रही है। मैं कह रहा हूँ 15 साल से पहले की समस्या है, आज की है ही नहीं। तो फिर ओ 15 साल की समस्या के लिए समय तो देना पड़ेगा। आपने शरीर के अंदर कोई बसा दिया रोम रोम में, कभी आप ये समझो। घर के अंदर की चीज को तो फिर भी निकाल लोगे, शरीर के अंदर की भाई बोलो कौन निकाल देगा? अरे पितरों का ही एक एक तत्व कट कट के आता है, राम राम से जाता है। साले किसी करौली वाले के दोनों हाथ खोलने से सारे पितर नहीं जा सकते उद्धार के लिए। आ गए ना? कोई नहीं करके दिखाता, करके दिखाने की तो क्षमता ही नहीं रही है। ऐवे ही आंख मीच के लोगों को नचाने का काम रह गया है कि एक भजन चला दो पीछे, हु मस्ती रहे, काली का भजन चलता रहे, लोगों के सिर घूमते रहे, लोग देखते रहे, और लोग ये समझे यही सारे भूत निकलते हैं। ऐसा कैसे हो गया भाई? हाँ 2 तरह के टीचर हमें पढ़ाते हैं। एक टीचर बहुत मध्यम भाषा में हमें समझाता है, हमें उसकी बात समझ में आती है। दूसरा याद ना होने पे पीटता है। पहला याद ना होने का कारण पकड़ता है और आपको फिर वो उतनी ही बारीकी से समझाता चला। 1 साल तक पॉलिटिकल साइंस मैंने 12वीं क्लास में पढ़ा, तो हमारा एक मास्टर था। मैं मास्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाने की टेक्निक है। हमारा एक मास्टर था, उससे हमें समझ में नहीं आया पॉलिटिकल साइंस क्या है, राष्ट्रपति के क्या वो है, प्रधानमंत्री के क्या वो। एक प्रोफेसर हमारे गांव का लड़का बन गया, उसका नाम था नरेश भगत जी, उसका नाम नरेश भगत जी। उसने वही काम पेपरों के दिनों में करा दिया। उसने कहा मेरे पास आओ अब मैं 2-2 घंटा पढ़ाऊंगा, और हम 5-6 लड़के जाते और वो इतने आराम से समझाता, सब कुछ समझ में आ गया, एग्जाम भी पास हो गया, अच्छे नंबर भी आ गए। तब समझ में आया हम तो 1 साल खामखा में क्या कहते हैं, वहीं धक्के खा रहे थे। ठीक है, तो कोई कोई टीचर ऐसा हो जाता है। एक टीचर हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाता कि ऐसा लगता था इसके अलावा कोई टीचर ही ना हो हिंदुस्तान में, साले सारे मर जाए। क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने टीचरों को बैठ के सस्ताते हुए देखा है पीरियड टाइम में। यूँ दे दिया भाई, एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं, भाई तू पढ़ के सुनाया जा हिस्ट्री का पाठ। मैं पढ़ा करता था आधा आधा घंटा, क्या बताऊँ तुम्हें, पूरा पाठ पढ़ने में आधा घंटा लग जाता, पीरियड हो जाता, इतना मास्टर सोता रहता है। कि नहीं ऐसे टीचर हमने देखे हैं कि नहीं देखे? तो फिर अच्छा, और एक बात, चैप्टर पढ़ भाई। आपने सबने चैप्टर पढ़ दिया, 4 बच्चों से 1 चैप्टर पूरा करा दिया पढ़ा के। अब 3 क्वेश्चनों पे वो लगा दिया, भाई ये क्वेश्चन इसमें से करने हैं, इन्हीं में से पेपरों में आओगे कर लो। ये कौन सा पढ़ाई का तरीका था? मतलब एक टाइम पे आके टीचरों की देह इतनी आराम पे आ गई थी, हमने तो पढ़ाना नहीं, और सवेरे से शाम लेकर, शाम तक लेकर ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पे लगता है टीचर, बच्चे को ढूंढता फिरता है, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, ऑनलाइन भी आऊंगा, शाम ने पढ़ लिए, भाई पढ़ लिए, भाई पढ़ लिए। पहले बच्चे मौजूद रहते थे, बच्चों को ढूंढना पड़ रहा है टीचरों को, और हाथ और जोड़ने पड़ रहे हैं। हमारी तो देह भी पीट देते थे, पीट के देख लो ना किसी की, ऊपर ना जेल में बंद हो जाए तो भारत बताती हो क्यों भाई है। सबकी देह आराम पे आ गई, राजी ऐसा था। मैं तो कहूँ सीधी सी बात, जब आपका राजा ये नहीं जानता कि नीचे बच्चों की शिक्षा व्यवस्थित हो रही है कि नहीं हो रही है, टीचर व्यवस्थित हैं भी कि नहीं है। 12वीं क्लास में एक टीचर रह गया, 5 सब्जेक्ट पढ़ाता था, बाकी कहाँ गए? है नहीं जी, ना तो सरकार के पास बजट है, कहाँ चले जाए बजट, कहाँ खत्म हो गए बजट। फिर आज तक धन खत्म क्यों नहीं हुआ जब उस टाइम बजट खत्म हो गए थे? तो फिर आज तक की व्यवस्था कैसे चल रही है? नहीं ये समझ में नहीं आता। 1900 हर सरकार आके कहती है इन्होंने नौकरी ना दी, नौकरी ना दी, नौकरी ना दी। मैं 1996 में 12वीं कर चुका हूँ, मुझे दो ना कौन सी नौकरी दोगी? तो सर दुनिया भर के पत्र डाल डाल के पागल हो गए, लेटर डाल डाल के, और वो भर भर के फार्म।
हाँ जी, कहाँ नौकरी है सरदार जी? 96 से ना मिली मुझे। अब भाई लाखों भाई, मैं फौज में और पुलिस में भर्ती हूँ, लाख हूँ नहीं। दौड़ा मेरे से जानी, भाग्या मेरे से जानी, पेड़ पे मेरे से चढ़ा नहीं जा। हाँ किन जी, छोटे बम से मुझे डर लागे तो बंदूक कहाँ से चलाऊंगा? नहीं, और कोई नौकरी तुम मुझे दो नहीं, तो भाई मेरा तो पढ़ लिया घर है कि नहीं? सारी सरकारें फैल है, सारी सब। कोई कहे कि मैं पास हूँ, नहीं भाई तू ना कहे मैं भी पास, ठीक है। कोई कहे मैंने ये काम कर दिया, एक काम कर देते हैं, नीचे 100 बाकी रह जाते हैं, है कि नहीं? अब सरकार कह रही है इतनी नौकरी दे देंगे, भाई कब तक दे देंगे? जितनी नौकरी आप दे रहे हो एक साल में, दिल्ली में कम से कम 50 लाख बच्चे जो है बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और फिर उनको मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख बच्चे बीएड कर लेते हैं, 10-20 लाख, और फिर उनको कुछ मिलता नहीं, फिर वह भागे हांड रहे, उनकी बीएड की डिग्री जू पड़ी रहे। प्राइवेट स्कूल खोल दिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते रहे 5-5, 7-7 हज़ार में, शुरुआत वहाँ से हुआ, फिर धीरे धीरे उनकी 20 हज़ार रुपये तक तनख्वाह हुआ, घर ने ट्यूशन पढ़ावे, जूँ गुजारे चल रहे हैं, ना तो गुजारा चलना बंद हो जाए। फिर भाई बीएड तक पढ़ाने के लिए माँ बाप ने जो 30 लाख रुपये लगाए हैं, इसका मतलब तो वो ना पढ़ाता, अपने ना पढ़ रखता तो उसके 30 लाख तो बच जाते, खाना तो वो फिर भी घर से ही खिला रहा था, कौन सा स्कूल खाना खिला रहा था? तो फिर 30 लाख अलग पड़े होते बिजनेस के लिए, है ना? तो फिर बनियाव वाली सोच और मुस्लिम भाई वाली सोच, अपने बच्चे को बचपन से ही काम पे लगा दिया ना भाई, गाड़ी में शीशा भी कटेगा 500 रुपये तो लेके आओगा शाम तक, और कहीं एसी ठीक करना सीख लिया गाड़ी का, रोजाना के 1000-2000 रुपये लेके आया, इतना वो अपना बच्चे को पढ़ाएगा, पढ़ाकू बनाएगा। अगर वो IAS IPS बन गया तो ठीक, ना तो वो उस बेरोजगार से भी बदतर है जो अपना घर का कोई काम सीख के बच्चा काम कर रहा है। तो तब तक उस बच्चे ने 40 लाख रुपए कमा लिए जब तक उसने 40 लाख रुपए गंवा दिए, और अब उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, कमरे में छिपके आत्महत्या करने का। आगे ना उसमें हीन विचार ही आएंगे ज्यादातर। आज के टाइम में हिंदुओं के बच्चे कर क्या रहे? उनको काम तो मिल नहीं रहे, और काम नहीं मिल रहे, माँ बाप का पैसा लग गया, धन लग गया, ना तो माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल, ठीक है, जो काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। भारत देश की ऐसी परिभाषा नहीं, ऐसी परिसीमा नहीं, या तो पड़ोसी पड़ोसी ने लूट के खा जाए, है ना, इससे निकम्मा ना तो देशवासी है, और देश के तो हालात ही बुरे हैं, है ना। यहाँ तो नेता नाम की एक ऐसी बीमारी, ऐसा कीड़ा छोड़ दिया गया है कि भाई यो तुम्हें हजम करेगा खा खा के, और तुम्हें मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारी मिट्टी कर देगा। कीड़ा जब बाहर फेंकता है ना मल को, तो वो मिट्टी मिट्टी बन जाती है, ऐसी मिला दे कि भाई तुम शमशान की दीवार भी बना दोगे ना, ये कीड़ा उसको भी चाट जाएगा, उसमें से भी पैसे खा जाएगा, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर को लोग भगवान बनाते हैं, लेकिन वो मरे हुए के भी पैसे खा जाता है, भगवान है, देख लो, ये अनोखा भगवान है, आए ना समझ में। उसको ये नहीं पता इस आदमी को निगेटिविटी है, लेकिन जिंदगी का उसकी का 80% 50% पैसा डॉक्टरों में और बीमारियों में जाता है। तो भारत विफल क्यों होगा? होगा भी तो कभी आगे ना, तो यहाँ की शिक्षा अच्छी, नीति तो कभी से अच्छी थी नहीं, यहाँ का मेडिकल अच्छा नहीं है, आगे ना, ये दो पद्धति तो है ही नहीं है। अरे भाई जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है उसकी फीस बढ़ा दो, कहता तनख्वाह बढ़ेगी 2000 रुपये अगर आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे तो, या सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और आपकी तनख्वाह घटेगी 5000 रुपये 10000 रुपये बल्कि, अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो। एक ना पढ़ावे, सब सरकारी में पढ़ाऊंगे, और सब कह के मरेंगे, एक दूसरे टीचर से सिफारिश करेंगे, वो यादव जी आपके स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, थोड़ा ध्यान रखना, आपका ही बच्चा है, तो उसने उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो निगेटिविटी जो है उसका शिकार सभी है, तो मिनिस्टर भी है, कभी कोई ये समझे कि मिनिस्टर नहीं है, बहुतों को चुड़ैल भरी बैठी है, दिखाते को कंधे भारी हुए तड़की सांस तक, ठीक है, सिर घूमे रहे, चक्कर आए जाए, बस देश में लूट के करता देता कहता रहता, ना करता ना देता हूं मैं एक सच्चा नेता हूं। नेता की तो ये परिभाषा है, हमें कुछ नहीं मिलना है मूल में, हमें अपने आप को लेकिन सुरक्षित तो करना ही करना है ना, भगवान का नाम लेने के लिए, संसार मिले ना मिले भगवान मिल जाए, बस एक ही कामना अपनी रख लो, और एक कामना क्या, भगवान मिल जाए। और मैं बता रहा हूँ भगवान से सरल कोई मिलता नहीं है, भगवान जैसे मिलते हैं ऐसे कोई नहीं मिलता, बस भगवान की चाहना हो जाए, और वो चाहना कभी हमें होती नहीं है,
क्योंकि हमारा गुजारा सा चल रहा है, हमारा पेट भर जाए सवेरे, पेट भर जाए शाम को, तो भगवान की हमें इच्छा होती ही, जिसको भगवान की इच्छा होती है वो रामकृष्ण परमहंस की तरह गरम रेत पे चेहरा रगड़ता है कि माँ तू आज भी नहीं आई मेरे पास, तूने आज भी अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया और चेहरा छिल गया, खून निकलने लग गया, रिसने लग गया। तब भक्ति प्रकाष्ठा पे पहुंच गई और माँ की तो पत्थर की मूर्ति भी पीछे पीछे चलने लगी है कि नहीं है, हाँ कि ना, हाँ, हाँ। जोर से बोला करो, हाँ हाँ। तो माँ की मूर्ति भी पीछे पीछे चलने लगी, भक्ति में प्रकाष्ठा आ गई, भक्ति में वो पद मिल गया। ये जितनी भी सिद्धियां हैं ये भगवान के गुण हैं, अनिमा लघिमा है कि नहीं, ये सब सिद्धियां भगवान के गुण हैं, जिसमें जितने जितने गुण आते जाएंगे उतनी उतनी सिद्धियां प्राप्त होती चली जाए। एक गुण तो सब में है ना, मानव का गुण, मानव का गुण रखोगे तो एक श्रेष्ठ मानव बनना ही काफी है पूरे जीवन भर के लिए। जाप करो, भक्ति करो, नाम लो और नाम लेके अपनी निगेटिविटी को दूर करो और निगेटिविटी का दिवस मनाओ बकायदा, कि एक दिवस है उस दिन सारे भूत प्रेत वाले निकल के जो जो ठीक हुए हैं वे लोगों को चेताए कि हर घर में ये चीजें घुस गई है, अपनी मुट्ठियों में कपूर लो, लौंग लो, इलायची लो और मानसिक ओम नमः शिवाय ओम का जप करो। छोड़ दो ओम नमः शिवाय ओम को भी, आपका कोई गुरु है, आपका कोई भगवान है, उसने कोई मंत्र दे रखा है, मानसिक उसको जप करने लग जाओ मुंह बंद करके बिना जी हिलाए। आप देखोगे थोड़ी देर में जो है हाथ हिलने लगेंगे, अंग्रेजों के भी हिलने लगेंगे। तो अंग्रेज नंगड़ क्यों है, क्योंकि खुद उनकी चर्चों में प्रेत निकलते हैं और हमें कहते हैं कि ये ढोंग और ढकोसला करते हैं और वहां शैतान पे फायर करते हैं हाँ, और कन्वर्ट कर देते हैं आपको। अपने यहां निकाले तो शैतान, हमारे यहां निकाले प्रेत का नाम लेते हैं तो बोला ढोंग ढकोसला। नहीं सरदार जी, देखो कितनी बड़ी बात है, आधे सरदारों को भी कन्वर्टेड कर दिया, वहां पंजाब में पहुंच गए, बोला तुम्हारे शैतान हम निकालेंगे। भाई सरदारों में भी शैतान कहां से आ गए, मैंने तो कभी किसी सरदार को मरने के बाद प्रेत बनते हुए नहीं देखा, कोई नहीं कहता इसमें सरदार बैठे हैं घुस के, है कि नहीं। तो फिर सरदारों में भी प्रेत कहां से आ गए, ठीक है ना। नहीं हाँ, चुड़ैल तो आ जाती है सरदारों, मैंने बहुत देखा, पहले जितने भी सरदार आते थे सब पे चुड़ैल आई रहती थी, अंदर एक चुड़ैल बैठती थी, वो कहती थी सरदार जी को परेशान किए रखती थी, सिर घुमाए रखती थी, है कि नहीं। अभी एक सरदार जी आए थे, वो पहले बहुत जोर की आवाज दिया करते थे यहाँ बैठ के वो ऐसे करके, लेकिन वो ठीक हो गए। तो कल परसों वो आ रहे थे, वो कह रहे थे अब तो मैं पंजाब में रहने लग गया, दिल्ली में रहता नहीं हूँ, तो कभी कभी आता हूँ महाराज। मैंने कहा आते रहो, कभी कभी आते रहोगे तो जान बची रहेगी, पीछे शैतान खड़े हैं और पीछे शत्रु पड़ा है, वो छोड़ेगा है नहीं या छोड़ देगा, हाँ वो छोड़ता कभी भी नहीं है, ना उसने हमें कभी छोड़ना है। बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव। चलो काम